गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सभी। आज 18 तारीख 18 नवंबर 2022। कुछ दिन गाजियाबाद अपने सिस्टर के यहाँ बिताने के बाद आ पहुँचा हूँ शिवगंगा एक्सप्रेस के द्वारा बनारस रेलवे स्टेशन, जिसे पहले मंडुआधी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। उतना भीड़ देखने को नहीं मिला, यहाँ काफ़ी साफ़ सुथरा और शांत वातावरण है। अभी सुबह के 6:08 हो रहे हैं। ट्रेन ने 15 मिनट पहले ही बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था। बाहर से स्टेशन खूबसूरत दिखता है। देखिए, पार्क के आउटर में आई लव बनारस का लोगो बना है। बनारस रेलवे स्टेशन के प्रांगण में लोगों को ग्रुप में योगा करते देखा गया है। मुझे तो बनारस रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ से मुझे वाराणसी जंक्शन जाना है। वहाँ पर मैंने रेलवे डॉर्मेटरी में बेड जो बुक कराया था, क्योंकि वापसी मेरी वहीं से है। इस वक्त मैं बैठा हूँ ऑटो के अंदर। गेट नंबर 2 से मैंने शेयरिंग में ऑटो ले लिया है। किराया मात्र 30 रुपये। गेट नंबर 1 से भी ऑटो ले सकता था। वहाँ से वाराणसी रेलवे स्टेशन का किराया मात्र 20 रुपये। 4.5 किलोमीटर की दूरी, जिसे पूरा करने में 15 से 20 मिनट लगे, यानी कि बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी रेलवे स्टेशन तक। सामान रिटायरिंग रूम में रखा और फ्रेश होकर निकल पड़ा श्री काल भैरव मंदिर की ओर, उनके दर्शन हेतु पैदल ही। ये देखिए वाराणसी जंक्शन का बाहर का दृश्य। बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी मंदिर में आए हैं। बहुत ही खूबसूरत, और रात में जब लाइटिंग होती है तब तो इस स्टेशन को और 4 चांद लग जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए मैं पैदल ही निकल पड़ा था। ऐसा नहीं कि मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था। वो आपको स्टेशन के बाहर उल्टी और इंग्लिशिया लाइन पार्क ऑटो स्टैंड से मिल जाएगा। किराया 15 से 20 रुपये है। 4 किलोमीटर पैदल चलकर इंग्लिशिया लाइन क्रॉसिंग, मलदिया क्रॉसिंग, लोहा मंडी चौराया, लहुरावीर चौराया, कबीरा चौराया, मैदागिन क्रॉसिंग होते हुए पहुंचा बाबा काल भैरव मंदिर के यहाँ। वैसे मैदागिन तक आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ से करीब 450 मीटर पर स्थापित है श्री काल भैरव मंदिर। सामने दिख रहा है बाबा काल भैरव मंदिर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबा काल भैरव मंदिर के सामने। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। और मैं मंदिर हो आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। सामने राम सीताराम का मंदिर भी है, कपाट बंद हो चुके हैं। और इसके अलावा हनुमान मंदिर और बाकी संकट मोचन यहीं पे है, जो यहाँ के हैं। तो अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पे आके, एक मन को शांति भी मिली। बाकी थोड़ा जल्दबाजी इसलिए करना पड़ा क्योंकि भैया वहाँ पे भीड़ होती जा रही थी। अब जैसा थोड़ा कम हो गया, बंद भी होने वाला है। अब काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद सीधा यहाँ से निकले हैं। निकलने के बाद अब हम खाएंगे मलाइयो। मलाइयो इस तरीके से है। यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं। मंदिर समय सारणी सुबह 5:30 से दोपहर के 1 बजे और शाम के 3 बजे से रात्रि के 10:30 बजे तक। कुछ देर वहाँ गुजारने के बाद मैं चल पड़ा लक्ष्मी चाय वाले की फेमस चाय पीने और साथ में मलाई टोस्ट खाने। गूगल मैप के सहारे निकल तो पड़ा, लेकिन इसने मुझे एक गली के बीच पहुँचा दिया। किसी तरह स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मैं पहुंचा लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ। ये देखिए बोर्ड, ये मिल चुकी है मुझे लक्ष्मी चाय वाले की दुकान। आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों पहुंच गए लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ। काफी फेमस दुकान है, तो भैया चाय तो बनती है, साथ में क्रीम टोस्ट तो बनता ही है। दोस्तों चाय मंगाई और पी भी लिया, लेकिन वीडियो बनाना भूल गया, पर सफ़ेद मक्खन टोस्ट को मैंने छाप ही लिया। दुख तो इस बात का हो रहा था कि मलाई टोस्ट ना मिला, जिसे खाने का मेरा बहुत मन था।
तो ये था लक्ष्मी चाय वाले की दुकान, जवाहर मार्केट है ये, चौक कहते हैं शेरों को। ये देखिए इस तरफ, और ये वाली गली है, ये वाली गली है जहाँ आपको अगर चाय पीनी है तो। सामने चंद्रघंटा माता मंदिर का द्वार है, ये देखिए पीछे। इस तरफ जाते हैं राम मंडर कचौड़ी वाले, तो हम चलेंगे उस तरफ एक बार, और यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो राम भंडार मिलेगा। करीब 240 मीटर की दूरी पे है इस वाले गली पे, और ठठेरी बाजार कहते हैं। तो भैया मेरी तो किस्मत ख़राब थी, शायद टाइम में गड़बड़ हो गया, क्योंकि राम भंडार खुलने का टाइम जो है वो सुबह 7:30 बजे से है, और सुबह के 11 बजे के बाद यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। तो फिलहाल चलते हैं मंदिर। बड़े मायूस होके निकला मैं तेरे कूचे से, पर बाहर गली से निकलते ही बाएं हाथ में मिला बालाजी जलपान। सोचा यहीं पर पेट के चूहों को दाना डाल दिया जाए, तो एक प्लेट का ऑर्डर दे ही दिया, और सच मानिए निराशा नहीं हुआ। ये 20 रुपये वाली प्लेट है, देख लीजिए टेस्ट कैसा है वो मैं बाद में बताता हूँ। सर नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है, जो सब्जी थी उसमें पनीर भी था, आलू भी था, मटर भी था, और यहाँ अलग ही अच्छा आया, बहुत अच्छा मिक्स है। कचौड़ी खाने के बाद एक जलेबी तो बनती है, तो एक जलेबी दे दीजिए मुझे। तो भैया एक चीज़ बताइए, इसको तो बेदनी पूरी भी कह सकते हैं ना? बेदनी अलग होती है सर, वो आपको आगरा मथुरा में मिलेगी। हाँ, पर पैटर्न वो चीज़ करीब ऐसे ही है, उसमें खड़ा मूंग भरा था। अच्छा, और इसके उड़द की दाल, उड़द की दाल, ओके ओके। तो ये कचौड़ी में और उस कचौड़ी में सिर्फ इतना ही है, बेदनी पूरी में जो है इसमें मूंग का डाला जाता है ना, उड़द उसमें मूंग की डाली जाती है। ओके ओके। और ये बिल्कुल लक्ष्मी चाय वाले के उल्टी तरफ ही है, और ये एक मेरे पास आया, ये 10 रुपये का है कचौड़ी का, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दो कचौड़ी हींग वाली 20 रुपये की थी। अरे भैया जलेबी खाया था, जलेबी का भी फीडबैक बनता है ना? बहुत बढ़िया चले सर, हमारी ड्यूटी खत्म। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया रहा भैया, जलेबी का तो मज़ा आ गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कल मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक करनी है, तो उसकी जानकारी भी लेनी है, तो मैं आ गया श्री काशी विश्वनाथ टेंपल ट्रस्ट हेल्थ सेंटर। यहाँ से आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट के समीप ही है ये ट्रस्ट। सब जानकारी लेने के बाद मैं चल पड़ा संकट मोचन के दर्शन हेतु साकेत नगर कॉलोनी। गडोलिया चौक से करीब 4 किलोमीटर, 80 घाट से 1.5 किलोमीटर, और वाराणसी रेल्वे स्टेशन से करीब 6-7 किलोमीटर दूर संकट मोचन हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। लेकिन बहुत बंदर हो, एक समय यहाँ वानरों का बहुत दर्शन हुआ करता था, पर कोरोना के बाद से स्थान वानर रहित हो गया। अब ये अच्छा हुआ या बुरा इस और नहीं जानते। तो दोस्तों मेरा तो संकट मोचन का बहुत ही बढ़िया दर्शन रहे, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए मोबाइल रखने की जगह है, जूते रखने का अंदर ही है, और ये कुछ आप देखिए पीछे का चारों तरफ का दृश्य। चलिए हम आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं कि दुर्गा माता मंदिर की तरफ जाएंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद मैं चल पड़ा माता दुर्गा मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर था, पर बीच में ही करीब 450 मीटर चलने पर बाई ओर मुझे त्रिदेव मंदिर मिला। यह महादेव के दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ा टूवर्ड्स माता दुर्गा माता के दर्शन के हेतु। बीच में तुलसी मानस मंदिर के पास से गुजरा, उस वक्त मंदिर बंद था।
थोड़ी दूर पर ही स्थित था दुर्गा मंदिर। दुर्गा माता मंदिर बहुत दिनों से माँ दुर्गा का इस मंदिर में मैं दर्शन पाने की कोशिश कर रहा था, अब तक नहीं हो पाया। कई बार ही आ चुका हूँ मैं, हर बार बंद मिला है। आज ये सौभाग्य प्राप्त हो गया आप लोगों की वजह से। तो अभी यहाँ से मैं 80 घाट की तरफ जाऊँगा, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बता रहा है। ये दुर्गा माता का मंदिर है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ही योगा का अभ्यास होता है सुबह। और ये 80 घाट देख रहे हैं पीछे, और आगे देखते हैं। रीवा घाट सामने, ये आरती समाप्त होने पर मैं चल पड़ा दशाश्वमेध घाट की ओर, पैदल ही गंगा किनारे किनारे। इस तरह मैंने बिताया आज का दिन। होप अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।